Southern Solidarity sa Wapu Saiga. Tangkarib apko main Pakistan mein hu. Main thoda dekh raha hu ki kya Lahore ka mausam behtar hoga uske liye ya Karachi ka mausam. ये जो सर्टिफिकेट है ये हमें नहीं देने चाहिए कि कौन मुहिब वतन है और कौन नहीं है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम हम सब में. नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की अलविदाई मुलाकातों के बाद ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के साथ कराची ऑपरेशन भी ज़ेरे बहस आ रहा है. 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बाद ज़र्ब अज़्ब का आगाज हुआ, जबकि 8 जून 2014 को कराची एयरपोर्ट पर हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुमोटो एक्शन लिया गया. बाद में सूबे की सियासी कुव्वतों की राय के बाद शहर कायद में रेंजर्स ऑपरेशन का आगाज हुआ. कराची ऑपरेशन के दौरान सिंध रेंजर्स ने 8,270 ऑपरेशंस किए, 1,560 गिरफ्तारियां अमल में आईं, 1,000 के करीब असलहा मुख्तलिफ मकामात से रेंजर्स ने तहवील में लिया. कराची की सूरत हाल अमन अमान के हवाले से तसल्ली बख्श, ताहम बुनियादी मसाइल के हवाले से गैर तसल्ली बख्श है. इस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उन्होंने बानी एमकेएम का वोट बैंक ब्रेक करने की कोशिश की है, जिसकी अक्कासी एमकेएम पाकिस्तान, एमकेएम लंदन और पाक सरजमीन पार्टी की सूरत में होती है. कराची का वोटर कन्फ्यूजन का शिकार है. आखिर कराची का सियासी वारिस कौन है? पीपल्स पार्टी का मजबूत वोट बैंक अंदरून सिंध है, लिहाजा वो कराची के मसाइल को समझने से कासिर नजर आते हैं. एमकेएम के सियासी मुखालिफीन चाहते हैं कि कराची की नुमाइंदा जमात सियासी मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर गायब ही रहे. कराची पर हक सब जताते हैं नाज़रीन, मगर कोई इसके मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं है. 2013 के इंतखाबात में तहरीके इंसाफ की पोजीशन कराची में बेहतर नजर आई, ताहम पीटीआई ने भी कराची के आवाम को बादजा मायूस किया. बानी एमकेएम दो दहाइयों से ज्यादा खुद साख्ता जिलावतन है. तारीख शाहिद है कि जब इनकी तूती कराची में बोलती थी तो इस शहर की गलियां लहू लहू थी. अलबत्ता परवेज मुशर्रफ के दौर में कराची की डेवलपमेंट की जो सूरत हाल है उसमें खातिर ख्वाह बेहतरी आई थी, जो इस बात का वाज़ह सबूत है कि इस शहर को इन हाथों में दिया जाए जो यहाँ का ही रहने वाला हो, आर्जी रिहाइश पजीर ना हो. शायद इसीलिए शहर कायद की दीवारों पर परवेज मुशर्रफ के हक में वॉल चौकिंग की गई है. कयास आराइयां हैं कि परवेज मुशर्रफ जल्द कराची के नए कायद बनकर आने वाले हैं. अब जबकि आर्मी चीफ राहिल शरीफ जाने वाले हैं और कराची ऑपरेशन जारी है, क्या होगा कराची का आने वाला कल, ये आज जानने की कोशिश करेंगे. क्या कराची ऑपरेशन अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा, ये वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जिसका आज जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे. जो लोग जेल में थे वो रिहा हो रहे हैं, क्या दहशतगर्दी की रोकथाम का बंद टूटने वाला है? जबकि आर्मी चीफ समेत डीजी रेंजर्स सिंध बिलाल अकबर भी अंदरून सिंध में ऑपरेशन करने की तजवीज दे चुके हैं, मगर सिंध हुकूमत इस तजवीज को रद्द कर चुकी है. सिंध रेंजर्स का कहना है कि दहशतगर्द अंदरून सिंध में छुपे हैं, जब तक वहां की सफाई नहीं होगी दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं. इस तनाजुर में सवाल यह है कि क्या ये अमन आर्जी है? दूसरी जानिब हमने देखा कि कराची मेयर वसीम अख्तर जमानत पर रिहा हो गए, क्या इन पर दर्ज मुकदमात बेबुनियाद थे? क्या 12 मई की गर्दान में कोई दम न था? अगर ऐसा है तो क्या माजी के मुतहद कौमी मूवमेंट आज के एमकेएम लंदन साफ सुथरी जमात है? क्या साबिक गवर्नर रशीद अलबाद भी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे? क्या परवेज मुशर्रफ कराची के लिए कोई रोल प्ले करेंगे? क्या फारूक सत्तार अवामी ताकत के मुजाहरे में कामयाब होंगे, जब इनकी हालिया अवामी रावता मुहिम बेनतीजा नजर आ रही है? जरदारी साहब भी वापसी का इंदिया दे चुके हैं, इनकी मुतवक्के आमद कराची की सियासत में क्या किरदार अदा करेगी? कराची किसका? भुट्टो का दावा करने वाले बिलावल कितने सुरखरू साबित होंगे? हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि कराची पर तसल्लुत जमाने के ख्वाहिशमंदों में से किसकी सियासी बसीरत कामयाब होगी और वो कराची वालों के मयार पर पूरा उतरेगा? क्या एमकेएम कराची के सियासी मंजरनामे से निकल चुकी है? क्या इस सूरत हाल से पीपल्स पार्टी फायदा उठाएगी? इशरतुल इबाद के बाद नून लीग गवर्नर हाउस के जरिए से कराची में अपने सियासी मकासद का हुसूल मुमकिन बना पाएगी? इशरतुल इबाद के जाने से एस्टैब्लिशमेंट और शहरी सिंध के दरमियान पुल का किरदार भी खत्म हो चुका, उसे कौन अदा करेगा? ताकत और हल्कों की जानिब से माइनस अल्ताफ का फॉर्मूला क्या कराची के मसाइल का हल है? ये वो तमाम इशूज हैं नाज़रीन आज हमने मुंतखब किए हैं कराची के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि सवाल गर्मा गर्म है कि राहिल शरीफ साहब जाने वाले हैं, कराची का क्या होगा, कराची का वाली वारिस कौन होगा, कराची ऑपरेशन का क्या होगा, यही आज जो है हम बात करेंगे. अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ कराती चलूं.
मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी लाहौर स्टूडियो से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, सीनियर दिफाई और सियासी तज्जियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफा साहब आपकी आमद का। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी कराची से सीनियर जर्नलिस्ट फैसल अजीज़, तज्जियाकार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपकी आमद का भी। फैसल साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, कराची की सियासत पर आपकी गहरी नज़र भी है सर। बज़ाहिर ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कराची ऑपरेशन से जो कामयाबियाँ समेटी गई हैं वो उनका रोल बैक ना हो जाए, आप क्यों समझ रहे हैं ऐसा तासर क्यों देखने में आ रहा है? अच्छा, मेरा ख़्याल है कि ये सवाल ज़रूर उठ रहा है और सवाल ही उठ रहा है परसों शाम से जब ये बात सामने आई कि नए आर्मी चीफ़ आएंगे और राहिल शरीफ साहब अब 29 तारीख से आर्मी चीफ़ नहीं रहेंगे, ये सवाल उठना शुरू हुआ। लेकिन ये सवाल इतना पुख्ता नहीं है कि इसके ऊपर मज़ीद 24 घंटे गुफ्तगू की जाए, चूँकि 3 सालों के अंदर जो पाकिस्तान आर्मी ने परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर कराची में कराची ऑपरेशन की जो नतीज सामने आए हैं, तो एक बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान रेंजर्स की मुकम्मल तौर पे एग्जिस्ट कर रही है और बड़े अच्छे नतीज के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे आने वाले आर्मी चीफ होंगे, यानी कि जिन 4 लोगों का नाम लिया जा रहा है, चारों की जो प्रोफेशनलिज्म है उसके ऊपर हर आदमी जो है मुतमईन है। तो पॉइंट ये नहीं रह सकता कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अब वापस आ सकती है। लोगों को इत्मीनान रखना चाहिए, जो बुनियाद राहिल शरीफ साहब ने रखी है उसके ऊपर अब बिल्डिंग तैयार होगी। पाकिस्तान इक्तसादी दौर में शामिल हो गया है, सीपैक वाला मरहला सामने आ गया, पाकिस्तान अब इससे दोबारा पीछे नहीं आ सकता। बहुत क्लियरिटी के साथ जो रॉ के एजेंट्स हैं वो पकड़े गए हैं, शहरों से भी, बलूचिस्तान से भी, अलकायदा जैसे लोग जो थे यहाँ पे, तालिबान जैसे लोग थे या जैसे भी लोग थे, वो सब मारे जा चुके हैं, पीछे जा चुके हैं। रिफॉर्म्स का अमल जारी है वज़ीरिस्तान के अंदर, एक बेहतरी का एक सारी सूरत हाल है। और आज मैंने देखा राहिल शरीफ साहब को सुबह आइडियाज़ की इनॉग्रेशन में, जितनी मुस्कुराहट और जितना एतमाद उनके अंदर था, जो उनके अंदर एक खूबसूरत एतमाद नज़र आया, मेरा ख्याल है कि बहुत इत्मीनान है और हमें इस चीज़ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंशाल्लाह जो नए आर्मी चीफ होंगे वो इसी तसलसल को आगे लेके चलेंगे और सबका बुनियादी मकसद अब यही हो गया है, गेम चेंजर सी पैक को कामयाब करना है, तो दहशतगर्दी पाकिस्तान में इंशाल्लाह नहीं होगी। फैसल मुझे बताइएगा, आपने कहा कि जो बिल्डिंग तामीर करके, अब बिल्डिंग जो है वो तामीर करनी है, बुनियादें जो है वो राहिल शरीफ साहब ने डाल दी है, सर ये बिल्डिंग अब किसने तामीर करनी है? बॉल तो अब सियासी हुकूमत के कोर्ट में ना, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एफर्ट जिनका तस्करा राहिल शरीफ साहब ने अपने टेन्योर में किया कि उन कॉम्प्लीमेंट्री एफर्ट्स की कमी है, वो सिविलियन गवर्नमेंट ने करने हैं, तो उनके होते हुए तो उन्होंने किए नहीं, तो आप किस तरीके से पुरुद है कि जाने के बाद वो बिल्डिंग की तामीर जो है वो सियासी हुकूमत कर पाएगी? देखें, इसमें बहुत क्लियरिटी है कि जो सियासी हुकूमतें वो 20 दफ़ा 22 दफ़ा ऐसे चांस देती रही हैं कि अगर राहिल शरीफ थोड़ा सा भी अगर चाहते तो कौम उनके साथ खड़ी होती और मुल्क के अंदर इमरजेंसी मार्शल लग सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने अमल से जमहूरियत को चांस दिया, जमहूरियत को मजबूत किया, इसलिए जमहूरी हुकूमत एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपना काम नहीं किया, उन्होंने अपना काम बहुत दयानतदारी से किया, जिसके नतज हमें नज़र आ रहे हैं। हमारे जवानों की जो शहादतें उसके बाद हम ये दिन देख रहे हैं, इतना इत्मीनान देख रहे हैं कराची के अंदर भी, पूरे पाकिस्तान के अंदर भी, और हम वज़ीरिस्तान के इलाकों में भी दहशतगर्दी पे मुकम्मल काबू पाया गया। यही मैं कह रहा हूँ कि बुनियादी जो चीज़ थी राहिल शरीफ साहब ने एक तरक्की की बुनियाद रख दी, दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया, आने वाले जो आर्मी चीफ होंगे वो इसी तसलसल को आगे लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह हम फोकस हमें करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिविटी को, हमें फोकस करना चाहिए इन चीजों को जो सीपैक से रिलेट कर रही हैं। ठीक है जनरल साहब, क्या वाकई दहशतगर्दी का खात्मा हो गया, क्या ज़रबे अज़्ब का इख्तिताम हो गया, क्या कराची ऑपरेशन अपने वाकई मंतकी अंजाम तक पहुंच गया? क्योंकि मैं फिर से वही सवाल दोहराऊंगी कि तासुर ये लिया जा रहा है कि चीज़ें रोल बैक होना शुरू हो जाएंगी सर, क्योंकि कराची के अंदर जो जेलों में थे वो रिहा हो रहे हैं, जो मुल्क से बाहर बैठे थे वो आने का इंदिया दे रहे हैं, जो जिनके ऊपर इल्जाम थे 12 मई के उनको रिहाई मिल रही है, ये क्या फिर क्या तासुर ले आवाम? देखिए, एक जो फैसल बात कर रहे थे मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सवाल सिर्फ थोड़ा सा रीफ्रेज करना चाहूंगा, क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि कराची दोबारा उसी तरह मेस बन जाए? क्या कोई जी हो शख्स किसी भी जगह बैठा हो, क्या वो ये सोच सकता है इस बारे में? अगर इसका जवाब नहीं में है तो फिर आप यकीन रखिए कि पाकिस्तान फ़ौज वही है, रेंजर्स वही हैं, जनरल राहिल ने जिसकी बुनियाद रखी है, जो नए चीफ आएंगे उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इसको यहीं पर रहने दें, ये या तो नीचे जाएगा या इससे ऊपर जाएगा। तो नीचे जाने की, जैसा मैंने पहले कहा, हमारे पास गुंजाइश नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे और नीचे जाना पाकिस्तान की सालमियत के लिए, कराची के, सिंध के सारे लोगों के लिए बेइंतहा खतरात हैं। अब ये तो एक तरीका है देखने का।
दूसरा जहाँ तक आपने कहा, इसमें देखिए मुश्किलात जनरल राहिल ने बहुत फेस की और उनमें से सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो जिस स्पीड से फ़ौज की तरफ से या मिलिट्री साइड से या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की साइड से ऑपरेशन को लेके आगे चलना चाह रहे थे, हमारी सियासी क़ुव्वतों ने बावजूद उसके रास्ते में रोड़े अटकाए, ये एक हकीकत है, बिल्कुल हम सबको ये मानना चाहिए। अब इस हकीकत को अगले चीफ को पूरी तरह समझ है कि क्या मामलात हैं, इनमें बिगाड़ कहाँ पैदा हुआ, कैसे हुआ। जनरल राहिल ने बहुत सारे ऐसे काम शुरू किए हैं जो चल रहे हैं, ये इसको रोल बैक करना तो खैर बड़ा मुश्किल काम है, इसको या स्लो किया जा सकता है आगे ले गया। अब नए चीफ के लिए चैलेंज ये है कि ये जो सियासी तौर पर इस सारे ऑपरेशन को जगह जगह रोड़े अटका कर स्लो करने की कोशिश की गई, इसको कैसे ख़त्म करना है। मैं ये समझता हूँ और मुझे अपनी सियासी क़यादत पर इतना एतमाद ज़रूर है कि वो भी समझ चुके हैं कि अब उनके लिए भी ऑप्शन नहीं है, अगर वो अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे तो कराची के अवाम ने पिछले साल डेढ़ साल में जो सुख का सांस लिया है, जो खौफ के साए जिस पूरे शहर को लपेट में लिए हुए थे, अब उससे वो निकल आए हैं बाहर। अब ये अवाम को जिस तरीके से डरा धमका के रखा गया था, अब अवाम अपने लीडरशिप का गला पकड़ने को तैयार बैठे हुए हैं, अगर किसी ने इस किस्म की कोशिश की तो नुकसान होगा। दूसरी चीज़, हमारी सियासी लीडरशिप को ये समझना चाहिए कि हम अपने जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हमने बना दी कि आप कराची से बाहर नहीं कर सकते, टेररिस्ट के लिए कोई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है, बिल्कुल। और टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ, टेररिस्ट को हमने बहुत कमज़ोर कर दिया है, टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ, ये अपनी जगह मौजूद है, इसके साए और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं जगह जगह हमें नज़र भी आते रहे हैं अभी, और ख़ास तौर पर कराची टारगेट है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान टारगेट है, और ख़ास तौर पर वो चीज़ें टारगेट हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके चल सकते हैं या जो पाकिस्तान की यकजहती को मजबूत कर सकती हैं। अगर तो हमारी लीडरशिप इन चैलेंजेस को समझ ले, इनको एक्सेप्ट कर ले, ठीक, फिर तो फौज के साथ कदम मिलाकर उनके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, फिर फौज के साथ चलना उनके लिए आसान हो जाएगा फिर, सॉरी, ठीक है। फैसल अजीज साहब, मैं सवाल उठाना चाहूंगी कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जब इतने सारे धड़े बन चुके हैं कराची के अंदर, क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि कराची का जो मैंडेट है वो मुनकसम हो चुका है? देखिए, मैंडेट तो अब 2018 में ही पता चलेगा, इस वक्त जिसके पास मैंडेट है वो पार्लियामेंट के अंदर है और उसके ऊपर जितने भी सवाल उठाए गए थे वो सवाल अब उस तरह के नहीं रहे। अब हम मैंडेट को दो तरीकों से तोल सकते हैं, एक मैंडेट सड़क का होता है हड़ताल करवाने वाला, एक मैंडेट होता है पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट के अंदर जो मैंडेट है वो जमहूरी मैंडेट है और वो अवेलेबल है। अब हम अगला मैंडेट देखेंगे 2018 में, जब ये तमाम धड़े आपस में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, एक होकर लड़ते हैं या अलग अलग होकर इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, तब हमें मालूम हुआ क्या सूरत हाल है। और जाहिर है पीपल्स पार्टी भी कोशिश करेगी कि कराची से उनसे सीट्स मिलें और जमात इस्लाम भी कोशिश करेगी उन्हें सीट्स मिले, तहरीक इंसाफ भी कोशिश करेगी उन्हें सीट मिले, तो ये सारी सूरत हाल तो आने वाले इलेक्शंस में ही पता चलेगा। व्हाट अबाउट एमकेएम, क्या एमकेएम का वोटर तकसीम हुआ है, क्या एमकेएम का क्या मुस्तकबिल है? आपने सबका नाम लिया, एमक्यूएम के पास तो इस वक्त मैंडेट है ना, एमक्यूएम पाकिस्तान तो पार्लियामेंट के अंदर है, मैंडेट हम उस वक्त कह सकेंगे किसी का मैंडेट भी इलेक्शन के बाद। इस वक्त तो अगर कोई इंतखाबात हो अभी और सारे पार्टीज मैदान में आए और हार जीत का फैसला हो तो ग्राउंड्स का पता चलेगा। अभी तो जो सूरत हाल है कराची में उसके अंदर मैंडेट का उस तरह से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जैसे मैंने आपको बताया सड़कों के ऊपर मैंडेट का अंदाजा नहीं होता। जो पार्लियामेंट के अंदर सीट्स हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान के पास हैं। अब अगला कोई इलेक्शन हो या कोई ऐसा बाय इलेक्शन हो जिसके अंदर तमाम ये धड़े और दीगर सियासी जमातें मुकाबला करें, तब पता चले मैंडेट किसके पास है। ठीक है जनरल साहब, एक एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम तो आयद किया जाता है ना कि उन्होंने बानिए जो एमकेएम है उनका वोट बैंक तकसीम करने की कोशिश की, महाजर वोट को तकसीम करने की कोशिश की, और अगर देखा जाए तो ऐसा लग भी रहा है दड़ेबंदियों की सूरत में, तो आप समझते हैं कि ये जो एथनिक पॉलिटिक्स है उसको उसके ऑल्टरनेट के तौर पर ये एक अच्छा सोलूशन था जिसने भी सोचा ये कराची के मुस्तकबिल के लिए, कराची में क़याम अमन के लिए, ये कोई अच्छा सोलूशन था कि जी मुनकसम मैंडेट जो है वो दे दिया जाए कराची को? देखिए, एक तो जो हम अननेचुरल पॉलिटिकल फोर्सेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो माजी का जो हमारा तजुर्बा है वो बड़ा वाज़ेह है इस सिलसिले में कि वो कामयाब नहीं होती, और अगर आगे चलती हैं तो फिर ऐसी अफरियत सामने आती है जो नुकसानदेह होती है सबके लिए, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने इसको क्रिएट किया हुआ होता है। ये तो सबक सब ने हासिल कर लिया हुआ है। अब रहा कराची का सवाल, तो देखिए कराची में जो एमकेएम की सियासत थी अल्ताफ़ हुसैन साहब के ज़ेर साया,
उस सियासत ने ख़त्म होना था क्योंकि उसका एक पीरियड है, आप उसको उससे शेल्फ लाइफ से ज़्यादा लेके जा नहीं सकते। आप जब भी देख लें दुनिया में सियासी जो भी मूवमेंट्स हैं या जो क़ुव्वतें हैं वो अपने आप को रीइन्वेंट करती रहती हैं, तो टाइम के साथ चलती हैं। अब वक्त बदल गया हुआ है और ये जो ऑपरेशन किया गया है पीछे, उस ऑपरेशन ने दुनिया पर यह वाजे कर दिया गया है कि जो नेगेटिव एलिमेंट्स थे उनकी मौजूदगी में कराची में नंबर एक तो अमन मुमकिन नहीं है, ठीक, नंबर दो कराची शहर की जो हालत कर दी है। देखिए कराची पाकिस्तान का इंजन था, ये सोशली कल्चरली फाइनेंशियली हर लिहाज से कराची ड्राइव करता था पाकिस्तान को, पॉलिटिकली भी। अब उसी कराची को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, तो इसके लिए ये जो कराची का जो मैंडेट है मुनकसिम ज़रूर हुआ है, नए चेहरे सामने ज़रूर आए हैं, ये नेचुरल भी है, ये होना भी था। अब देखिए बाकी सियासी पार्टियों में भी टूट फूट हो रही है, नए लोग आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं वापस में, तो MQM में भी ये एक होना था। अगर तो इस्टेब्लिशमेंट में ये क्रिएट किया हुआ होता तो अब तक किसी न किसी मंतकी इंजाम तक पहुँचा कर जाते जनरल राहिल। अगर ये जिस तरीके से आमतौर पर ISI को ब्लेम किया जाता है ये उनका काम होता तो फिर अभी कोई ना कोई एक फैक्शन इनमें से बहुत मजबूत सामने उभर के आता, लेकिन अभी तक वो सूरत हाल नहीं है जिस तरह अभी आप कह रही थी। अभी तकसीम है और लोगों को यकीन नहीं है कौन सा धड़ा किस मजबूती के साथ खड़ा है। बहरहाल ये तो टाइम के साथ पता चला कि ऐसा फैसला कह रहे थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि कराची में जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो स्टेज पे आ गया कि अब नई क़ुव्वतें सामने आएँ और कराची के जो मैंडेट है जो हमारे जिनको हम उर्दू स्पीकिंग लोग कहते हैं, मैं महाजर कहने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे लिए पाकिस्तानी है, उनसे ज़्यादा तो मैं महाजर हूँ खुद, मेरा पूरा ख़ानदान महाजर। ये पाकिस्तानी जो हैं ये लोग, इनको अब ये बात समझ आ गई है कि जो इनको सब्ज़ बाग दिखाए गए थे अब उनसे काम नहीं चलेगा। तो ये जो नौजवान लोग आए हैं, मैं कराची आया हूँ जिनसे मेरी बात हुई है, वो इस बात पे बहुत क्लियर हैं कि जिन लोगों ने उनको इस्तेमाल करके कराची को इस हाल पर पहुँचाया है उन लोगों को अब उससे छुटकारा हासिल करने का वक्त आ गया है। जितनी जल्दी ये हमारी सियासी क़ुव्वतें या सियासी काबरीन जो हैं ये समझ लें इस बात को और अपने आप को वो या तो नए हालात के मुताबिक ढाल लें, वरना ये हालात जो है उनको एक तरफ कर देंगे और कराची की हालात और हालत बदलने के लिए नई टीमें सामने आएंगी, ठीक है, और ये धड़ेबंदियाँ में से कोई ना कोई एक मजबूत बनेगा इसमें से। इसमें इंडिविजुअल भी होंगे, जैसे आप कह रहे थे जल पे मुशर्रफ शायद वापस आएँ, उनकी क्या पोजीशन बनती है और शरतुलबाद साहब जो हैं वो कहाँ पर खड़े होते हैं। अभी तक तो लगता यूँ है कि इन दोनों को किसी भी फैक्शन ने तस्लीम इस तरीके से नहीं किया, लेकिन देखिए आगे चल क्या होती है। ठीक है, मैं इस पर तफसीलन बात करना चाहूंगी कि ये जो सियासी खला कराची में पैदा हो गया है, कराची का वाली वारिस जो है वो कौन होगा, हकीकी मानों में कौन है जिसके हाथ में, अगर क्योंकि ऐसे लग रहा है बज़ाहिर के तसल्लुत कायम करने की कोशिश की जा रही है, कराची के डेवलपमेंट किसी का बुनियादी एजेंडा नहीं है, कराची पर तसल्लुत हासिल करना जो है उसको तमाम तर जो पार्टीज हैं उनका एजेंडा लगता है। लेकिन जनरल साहब, आपने कुछ लोगों से, आपने कहा आप कराची में मौजूद हैं, आपने नौजवानों से बात की, हमने भी कराची वालों से बात की, हमने यही सवाल तासुर क्यों कायम किया जा रहा है कि जनरल राहिल शरीफ साहब के जाने के बाद जो है वो कराची ऑपरेशन जो है उसका कोई मंतकी अंजाम पता नहीं मुमकिन हो या ना हो पाए, ऐसा तासुर क्यों है? कराची वाले इस हवाले से क्या कहते हैं कि उनके जाने के बाद कराची ऑपरेशन का क्या होगा? कराची वाले ने क्या हमें इस सवाल का जवाब दिया, जरा देखते हैं। जनरल राहिल शरीफ साहब ने जितना पाकिस्तान में अमन और शांति के लिए काम किया है उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने अपने दौर में कराची में जो हालात थे, लेकिन आज जो हालात हैं कि अमन शांति से हम रोडों पर निकल सकते हैं, हमें डर नहीं है, खौफ नहीं है, कराची की आवाम बहुत सुकून में है जब से ये ऑपरेशन कराची में शुरू हुआ। कराची के अंदर या कहीं भी ऑपरेशन किया तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया, और हम ये कहते हैं कि वो अभी भी रहे इस ओहदे पर तो जो है ना बहुत बेहतर है, वरना हो सकता है कि हालात फिर बिगड़ने का तो खदशा है। भाई वैसे आर्मी चीफ जब से आए हैं तो काफ़ी हालात बेहतर हुए, क्योंकि हमारे यहाँ कारोबारी हालात हर रोज़ दुकानें बंद, ये वो हर रोज़ ये झगड़े वगैरह लगे रहते थे, भाई दुकानें बंद करो, रोड जाम, ट्रैफिक जाम, जो मसले मसाइल चल रहे थे, लेकिन जब से वो आए थे काफ़ी पुरअमन पाकिस्तान बन गया था। ये जाएंगे जो और आएंगे वो भी इंशाल्लाह यही मिशन कायम रखेंगे, और मैं अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद हूँ और दुआ करता हूँ कि हालात और बेहतर होंगे। आर्मी चीफ साहब ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा और ये जो अमन कायम हुआ है ये पायदार अमन होगा इंशाल्लाह। उससे तो उम्मीद है कि वो भी बेहतर होंगे, लेकिन ये जो था ये बहुत अच्छा आदमी था और इसने बड़े ईमानदारी से
काम किया है? हमारा मुल्क आर्मी बहुत संभाल रही है, इंशाल्लाह ताला अमन ही रहेगा जे अगर सुठा आर्मी चीफ आया, और रॉयल शरीफ भी हमारे लिए बेहतर काम करके गए, कराची में भी बहुत उसने अच्छा कदम उठाया। काफ़ी हद तक कराची में भी कंट्रोल हो गया है और ज़रब अज़ब भी उन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला के उनको और दोबारा रहें वो, और उनको टाइम दिया जाए। आर्मी रॉयल शरीफ साहब जो ये तो बहुत अच्छे थे, अब इनके आने वाले साहब कैसे हैं तो अल्लाह बेहतर जानता है। जी नाजरीन, मिक्स रद्द अमल है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनके जाने के बाद आने वाला भी जो है वो भी पुरुमीद हैं कि वो भी वही किरदार अदा करेगा जो राहिल शरीफ साहब ने किया, लेकिन बहुत सारे ये भी कह रहे हैं कि क़याम अमन की जो कोशिशें हैं वो दोबारा से ये खदशात है कि हालात कहीं कराची में बिगड़ ना जाएँ। ऐसा तासर क्यों कायम किया जा रहा है? मैंने ये सवाल शुरू में प्रोग्राम के उठाया था और लोगों से भी बात की तो ये बाहर कैफ कन्फ्यूजन है। फैसल अजीज़ साहब, रिहाइयाँ क्यों मिल रही हैं? ड्राई क्लिनिंग का तासर था, पी एस पी में जाएँ ड्राई क्लीन होकर वापस आ जाएं, ये चीजें भी तो हो रही है ना सर? फिर जरदारी साहब भी जो हैं वो एकदम से अभी उन्होंने कह दिया इंडिया दे दिया, उन्होंने भी अपनी आमद का, मुशर्रफ साहब भी जो है वो एंट्री के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो ये तासुर तो लिया जा रहा है कि सब वेट कर रहे थे कि बस वो जाएं और हमारी वापसी हो। और अब मुझे नहीं पता ये सारी चीजें कराची के हमसे कैसे लिंक्ड या है भी या नहीं है, लेकिन तासुर यही जा रहा है कि कुछ होने वाला है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा तासुर है कि कुछ होने वाला है। तमाम सियासी जमातों को अपना जमहूरी अमल आगे बढ़ाने का हक है। आसिफ अली जरदारी साहब कराची में रहते थे, कराची आ सकते हैं, वो नहीं आ रहे थे, अब वो आ रहे हैं। वो अपनी पार्टी के लिए 2018 के लिए इंतखाबात की मुहिम, उनके साहबजादे ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का 5 रुकनी एक एजेंडा दिया है और वो लाहौर के अंदर पहुंच गए हैं। लाहौर में पंजाब के अंदर उन्होंने पार्टी अपनी बना ली है, मजबूत कर दिया अहदेदारों को, और वहीं क़याम करेंगे। कराची में ये आएंगे, आसिफ अली जरदारी अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। एक वैक्यूम है कराची में, ज़ाहिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के धड़े हुए हैं तो पीपल्स पार्टी चाहेगी कि उनसे फ़ायदा उठाए, उन्हें कुछ सीटें मिलनी चाहिए। दूसरा, हम जब ये बात करते हैं कि कराची में जेलों से लोग निकल रहे हैं तो भाई अदालतों के बगैर तो नहीं निकल रहे, अदालतों के थ्रू निकल रहे हैं। अगर किसी की ज़मानत हो रही तो अदालतों के थ्रू हो रही है। आपने 12 मई का जिक्र किया था, आपने मेयर का जिक्र किया था, मेयर के ऊपर 39 केसेज हैं, 39 केसेज में वो ज़मानत पर हैं। 26 मुकदमात उनके कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो एक ही ज़िले के अंदर FIR दर्ज हुई हैं, और वो उस वक्त दर्ज हुई हैं जब वो मेयर बनने वाले थे, और पुराने केसेस उनके ऊपर खोले गए हैं। ये तो एक सिंपल सा मामला है कि एक शहर के अंदर जो शहर का फादर है, जो मेयर है, जिसके पास पावर्स नहीं है, जो पानी नहीं दे सकता, जो कचरा नहीं उठा सकता, जिसके पास इख्तियारात ही नहीं हैं, उसको जेल में रखा गया था, वो बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उन्होंने 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, पार्लियामेंट में गए, सिंध असम्बली में गए, अपीलें की बिलावल भुट्टो जरदारी से, अपीलें की CM से, और आखिरकार वो बीमार हो गए और अब वो अपने घर पर बीमार बैठे हैं। तो पूरे सबको सियासी हक है। और अगर हम समझते हैं कि जी जनरल मुशर्रफ साहब आएँ तो जनरल मुशर्रफ साहब का पाकिस्तान है, वो आएँ, उनकी जमात है। अगर वो किसी और जमात में दाखिल होकर एक जमहूरी अमल करते हैं तो ये एक अच्छा पॉजिटिव है कि एक तीसरी कुव्वत सिंध में होनी चाहिए। सिंध के अंदर 2 ही कुव्वतें, एक शहरी इलाकों की और एक देही इलाकों की। देही इलाकों की सीटें ज़्यादा आ जाती हैं तो उनकी हुकूमत बन जाती है, शहरी इलाकों की जो सीटें कम आती हैं तो उनका मैंडेट ही नहीं होता, उस तरह से वो इकतदार में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। अगर मुशर्रफ साहब आते हैं और इशरतुल्लिबाद साहब भी आते हैं और कोई ऐसा मजबूत कोई ग्रोह बनता है, कोई पार्टी बनती है, तो मेरा ख्याल है जमहूरी ताकतों को हमेशा इस तरह की जस्तजू रखनी चाहिए और हमें इन चीज़ों को पॉजिटिव लेना चाहिए। 14 साल तक गवर्नर साहब ने एक रोल प्ले किया है, अगर वो आके किसी सियासी जमात में आके रोल प्ले कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जनरल मुशर्रफ साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के अंदर रोल प्ले किया है। आज आप मैं जो TV के ऊपर बात कर रहे हैं इसका क्रेडिट जाता है जनरल मुशर्रफ साहब को कि इन्होंने मीडिया को लाइसेंसिंग की और ये सब कुछ टेलीकॉम और इसके अंदर सारा काम किया, जिसके बाद हम ये अपनी जो है ना एक्सप्रेशन जो है अपने दे रहे हैं, अपना जो सारे व्यूज़ हैं उसका इजहार कर रहे हैं। वो आएँ, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए, पार्टीज़ बननी चाहिए। मैं समझता हूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पॉजिटिविटी की तरफ हैं ये चीज़ें, और अगर अच्छी पार्टीज़ बनती हैं तो जाहिर है कराची के लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, बेहतर पार्टी को वोट देंगे, अच्छे लोग आएँगे, कराची के लिए बेहतरी काम होगा। ठीक है फैसल साहब, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। फैसल अजीज साहब ने जो तस्वीर पोर्ट्रे की है, बज़ाहिर ऐसा कि जी जो आए और कराची के अंदर अपना पॉलिटिकल राइट, अगर वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में किसी भी सूरत में कोई किरदार अदा करना चाहता है तो हमें उनके एक्सपीरियंस से जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन जितने भी नाम लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेज में भी इन्वॉल्व हैं, कुछ पर गद्दारी के मुकदमात हैं, कुछ पर 12 मई के मुकदमात हैं, कुछ पर मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर चीज़ों के करप्शन के इल्जाम हैं, और यही वो चीज़ें हैं जिनको ब्रेक करना मकसद था जनरल राहिल शरीफ साहब का। ये सब वही
लोग थे जिन पर इल्जाम लगाए गए, और अगर वही वापस आके कराची की बागडोर संभालेंगे तो फिर सवाल उठता है कि कराची ऑपरेशन का क्या होगा जनरल राहिल शरीफ साहब के जाने के बाद। क्या चीजें इतनी ही आसान है, ये मैं जानूंगी जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी जनरल साहब से। एक वक्फा मेरे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं जनरल साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। बल्कि जनरल साहब इम्तियाज़ गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब आपकी आमद का। इम्तियाज़ गुल साहब ये बताइएगा, अभी तक जो हमारी डिस्कशन हो रही थी, बात ये हो रही थी कि कराची के अंदर हर एक को हक है कि वो आए और अपना सियासी हक इस्तेमाल करे, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब हों, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो मुत्तहिदा के तकसीम हुए हुए धड़े हों, सबको हक है कि वो कराची में अगर कोई सियासी किरदार अदा करना चाहते तो करे। लेकिन सर एक अरसे से इंप्रेशन तो ये दिया जाता रहा कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर इल्जाम हैं, कोई सानिया 12 मई में इन्वॉल्व है, किसी के ऊपर मुकदमा चल रहे हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो सारे रिहा भी हो गए हैं, अब वो कराची में सियासी किरदार भी अपना अदा करें। तो मतलब ये इंप्रेशन फिर क्यों कायम किया गया कि कराची गलत लोगों के हाथ में था, और अब राहिल शरीफ साहब के जाने के बाद इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि वही लोग जो है वो अपना हक इस्तेमाल करें और कराची पर फिर से जो अपना तसल्लुत है वो कायम रख लें। तो चीजें कहीं रोल बैक तो नहीं हो जाएंगी, ऑल द गुड थिंग्स जो हुई कराची के अंदर वो कहीं रोल बैक तो नहीं हो जाएंगी? देखिए, तो बात की बात ही बात है कि रोल बैक होती हैं या नहीं। आपने जो बुनियादी एक मफरूजा इस्तेमाल किया हुई कि कराया लोगों को अपना सियासी हक इस्तेमाल करने का हक है या नहीं है, जो तो मेरा ख्याल है जो भी लोग पाकिस्तान के आईन में यकीन रखते हैं, जो भी लोग जायज़ ज़राए के साथ सियासत करना चाहते हैं, उन्हें बिल्कुल पूरा हक हासिल है सियासत में अपना किरदार अदा करने का। अब जहां तक बात इल्जामात की है, इल्जामात चूंकि पाकिस्तान में हालात इस नौयत के रहे हैं कि जहां सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट मिल के अपने मुखालफीन के खिलाफ मैं क्या कहूँ कैंपेन चलाते रहे हैं, उस नुक्ते नजर से अभी इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है कि कौन मुलजिम था कौन मुजरिम था। लेकिन exactly. एक बात वाजे है कि गुज़िश्ता 4-5 बरसों के दौरान ये काफी एक बात खुल के सामने आई है कि जिन जो लोग बड़ी बड़े आवाम की नुमाइंदगी का दावा कर रहे थे, उसमें से कई लोग मुजरिमाना सरगर्मियों में भी मुलविस थे, क्योंकि उसको फंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इस वजह से मेरा ख्याल है स्क्रूटनी जरूर होनी चाहिए, चाहे वो फौज करती है, चाहे वो हमारे अवामी नुमाइंदे हमारी पार्लियामान करती है, और ये देखना जरूरी होगा कि क्या अगर जिन लोगों पे इल्जाम हैं या संगीन नौयत के इल्जाम हैं उन्हें क्लीन चिट दे के इंतखाबात में हिस्सा लेके इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी जा सकती है कि नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में एक बदकिस्मती से ये भी एक परसेप्शन बन गई है कि आपको अगर वोट मिल गया है तो आप पवित्र हो गए हैं, जैसे कि आपने उमरा या हज कर लिया तो आप बिल्कुल पाक साफ होके आ गए हैं, जो कि हकीकत में पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुमकिन नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, चाहे ब्राज़ील है या जनूबी अमरीका के दूसरे ममालिक हैं, जिसमें सियासत का जुराइम पेशा ग्रोहों का और मजहबी बुनियाद पे इंतहा पसंद ग्रोहों का एक बहुत बड़ा ताल्लुक है, गुज़िश्ता 10-15 साल के दौरान ये साबित हुआ है। लिहाजा ये एक बड़ी क्वेश्चनेबल बात है कि आया जिन लोगों को कहा गया कि वो गलत लोग थे, भत्ताखोरी में मुलविस थे, क्या उन्हें आप इस दोबारा सियासत में अपना किरदार अदा करने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब। जनरल साहब यही सवाल था जो मैं रेज करना चाह रही थी, यही सवाल मेरा आपकी जानिब है सर कि क्या कराची ऑपरेशन वाकई फिर हम ये समझे अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा? वही लोग हमें आवाम को फर्क तो बताया, मुलजिम और मुजरिम का जुर्म साबित हुआ नहीं, लोग अंडर ट्रायल हैं लेकिन अब वो सियासत में आना चाह रहे हैं, और उनको अगर 2018 में वोट मिल जाता है तो इसका मतलब है वो दूध के धुले थे, वो साफ शफाफ थे, मतलब उनको वोट का मैंडेट मिल गया, मतलब जुर्म साबित हो ना हो फिर ये कहानी पीछे चली जाती है। देखिए बारोख, ये सब कुछ ठीक नहीं है कराची में, बल्कि मैं यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि जो ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है इस वक्त कि शायद जनरल राहिल शरीफ ज़ाती तौर पर, चाहे वो आसिफ अदारी साहब हों या दूसरे लोग हों, ज़ाती को मसला था उनका, ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है, ये भी गलत है।
अगर ये हम कहना चाहें कि कराची में सब कुछ ठीक हो गया, वो भी गलत है। हुआ ये है कि भाई जो सिविल हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी या हमारी जो पॉलिटिकल साइड थी, जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने साइड बाय साइड चलने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि कई दफ़ा रोड़े भी अटकाए हैं। और नतीजा ये है कि अब एक लॉप साइडेड किस्म की हमारी जो ऑपरेशन की सूरत हाल है, क्योंकि मिलिट्री का क्लेम एक जगह पर खड़ा हुआ है जो हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग करके हमारी सिविल सेक्टर को उसके साथ आके मिलना चाहिए था, वो नहीं हो सका, जिससे लोगों का ये खौफ बजा है कि भाई शायद ये सस्टेनेबल नहीं है कराची में जो पीस है। अब इसको कैसे आप हल कर सकते हैं? जो तो लोग बाहर से आना चाहें वापस उनको आप रोक तो सकते नहीं हैं, लेकिन हमारे निज़ाम अदल में जो तब्दीलियां होनी चाहिए थी या जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी, वो भी हमने उसमें कमज़ोरी दिखाई या कोताही दिखाई, वो भी मिसाल लेके नहीं चल सके। तो इशू तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। जिस तरह भी कहा जा रहा था कि सियासत का, जुर्म का, दहशतगर्दी का, और एक ऐसा ये एक नेक्सस बन चुका हुआ है जो अभी तक कायम है अपनी जगह पर, उसको तोड़ा नहीं जा सका, उसको डंड ज़रूर पड़े हैं। और अगर हम ये कहना चाहते हैं कि जनरल शरीफ उसको पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके, बिल्कुल सही बात भी है, उन्होंने शुरू कर दिया है इस ऑपरेशन को। मैं जो कहना ये चाह रहा हूँ कि जनरल ने और उनकी टीम ने मिलकर हुकूमत के साथ जो ऑपरेशन शुरू कर दिया है एक जगह पर ले आए हैं, अब इसको रोल बैक करना मुल्क के लिए नुकसानदेह है, कराची के लिए नुकसानदेह है, और कराची में तो खुदा ना खास्ता अगर ये बात हम इसको आगे लेकर नहीं चले तो इसमें खून खराबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सियासी अनासर हैं जो जुर्म की या दहशतगर्दी की किसी तरीके से पुष्पनाई में मशगूल हैं, या हमारी जो सियासी क़ुव्वतें हैं वो अपनी ज़िद पर कायम हैं कि हमने अपने आप को तब्दील नहीं करना, तो ये मैं समझता हूँ कि ये फिर जो सिविल तो फिर इसका मतलब ऐसा लोगों के खदशात पड़ी रही है, खरीज है, लोगों के खदशात इसका मतलब है फिर ठीक है जी, लोगों के खदशात बहुत हद तक ठीक हैं। हमें इतनी रोजी पिक्चर पेंट नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ ये समझना चाहिए कि अगर ये सियासी क़ुव्वतों ने अपनी जिद पर अड़े रहे और जो ये चाहते हैं कि अपने मफादात की निगहदाश्त के लिए, और आप किस बात से भी 100% इत्तफाक करता हूँ कि कराची शहर का दर्द नहीं है किसी को, बिल्कुल कराची की रिसोर्सेज को, कराची को तकसीम करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना सब चाहते हैं ये, और अभी तक ये नेक्सस थोड़ा नहीं जा सका, ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा तभी हम इससे आगे चलेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि नए चीफ के आने से, क्योंकि उन्होंने सारे हालात को देख लिया है, अभी वो ये भी देख चुके हैं कि जब एक ऑपरेशन को स्टेज पर लाने के बाद सियासी मुदाखलत की वजह से ये परसेप्शन, जिस समय आया और आप बात कर रहे हैं, टीवी पर भी हो रही है, अखबार में लिखा भी जा रहा है, सोशल मीडिया भी इसमें बात कर रहा है, तो नए चीफ मेरे ख्याल है नए अज़म के साथ आएंगे और इसको उन्हें आगे लेके चलना पड़ेगा। और मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ, अगर इस सिलसिले में हमें कुछ सख्त इकदाम की ज़रूरत है, कुछ ऐसी शख्सियात को कुर्बानी देनी पड़ती है जिनको हमारी सियासी क़ुव्वतें अपना बहुत महबूब समझती हैं, तो मेरे ख्याल ये वक्त आ गया है कि अब उन कुर्बानियों को सामने कुर्बानियाँ देनी चाहिए उनकी, ये हमारी लीडरशिप के लिए भी बहुत लाजमी है। बिल्कुल ठीक है फैसल अजीज साहब, अब आपने जो सवाल, आपने जो बात कही थी सर कि सबको अपना पॉलिटिकल राइट जो है वो एक्सरसाइज करने का, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तफाक करती हूँ सर, लेकिन चंद नाम ही मैंने लिए हैं। और देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, करप्शन के इल्जाम लगे इस पूरे टेन्योर में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, डॉक्टर आसिम इवन फाइनेंशियल टेररिज्म की बात कर दी गई उनके उनके खाते में, तो ये तक जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया गया, MQM भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, न जाने क्या क्या इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे, गवर्नर इशरतुलबाद के ऊपर मुस्तफ़ा कमाल ने जो इल्ज़ाम लगाए, मुस्तफ़ा कमाल पर गवर्नर इशरतुलबाद ने जो इल्ज़ाम लगाए वो भी हमारे सामने है। परवेज मुशर्रफ बहुत अच्छे काम उन्होंने किए होंगे, लेकिन MQM को अनलीश भी कराची में उन्होंने ही किया था, यही लोग वापस आ रहे हैं सर कराची में, और आप कह रहे हैं कि हक है एक्सरसाइज करें पॉलिटिकल राइट, कुछ नहीं होता, सब अच्छा हो जाएगा, तो सर ये मतलब आई बैक टू डिसएग्री बट योर एनालिसिस। बात ये है, एक गुजारिश ये है कि हम मीडिया पर बैठकर तर्जिया दे सकते हैं, हम फैसले नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आसिफ अली जरदारी के ऊपर स्विस अकाउंट्स हैं या मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब के ऊपर पानामा केस है, या मुस्तफ़ा कमाल ने गवर्नर के ऊपर इल्ज़ाम आयद किए हैं, या किसी भी सियासी रहनुमा के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम आते, तो उन पर मुकदमात चल रहे हैं। जो भी बात जनरल साहब कर रहे थे, अगर मुकदमात चल रहे हैं तो अदालतों से फैसले आने हैं, अदालतें फैसले करेंगी, मैं और आप बैठ कर अदालतों के फैसले नहीं करेंगे। और अगर जनरल परवेज मुशर्रफ पे फैसले नहीं आ रहे हैं, या इशरतुलबाद का मुकदमा नहीं चला है, या आसिफ अली जरदारी के ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं वो नहीं चल रहे हैं, या पानामा केस का फैसला नहीं हो रहा, तो ये सारे मामले अदालतों के अंदर हैं। हमारे पास वाहिद रास्ता है अदालतों वाला, दूसरा रास्ता हमारे पास है मार्शल लॉ लगाएं, इमरजेंसी लगाएं, इस तरफ जाएँ। लेकिन राहिल शरीफ साहब ने 20 के करीब ये अपने मौके 2-3 सालों के अंदर
استعمال نہیں کیے ہیں، 20 مواقع سول گورنمنٹ کے اندر آئے ہیں تقریباً، یہ صاحب جنرل صاحب میرے خیال میں میری بات کو سیکنڈ کریں گے، 20 نہیں کہیں گے 12 کہیں گے، لیکن ایسے مواقع آئے ہیں، جمہوریت کو وقت دیا گیا ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم جمہوریت کی امبریلا کے اندر دیکھتے ہیں صورتحال کو، تو پھر ہمارے پاس یہی راستہ ہے کہ اگر وہ ضمانت عدالتوں سے لے کر آ جاتے ہیں اور ان کے کرپشن کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے وہ سیاست دانہ ہے اور آگے سیاست ہی کرے گا، وہ کچھ اور تو نہیں کرے گا۔ اب کرپشن کے معاملات کے لیے ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے، پاکستان کا جو باہر پیسہ ہے، جو پاکستان پہ 2200 خرب روپے 2200 خرب کا لون ہے پاکستان کے اوپر اس وقت، 8000 خرب روپے تو اس حکومت نے لیے ہیں، اس حکومت نے لیے ہیں، اگر یہ پیسہ پاکستان میں آ جائے جو پاکستان سے باہر پیسہ ہے، تو آپ کو معلوم ہے سمپل 12 روپے کی ایک روٹی مل رہی ہے جو آپ کو 1.5 روپے کی ملے گی، سمپل فارمولا ہے۔ لیکن ہم بھی تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں عدالت کے نظریے سے، اگر 12 مئی کے لوگ آزاد ہو رہے ہیں تو عدالت ضمانت دے رہی ہے، اگر لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں تو ای سی ایل کے اندر نام نہیں ڈالا جا رہا، حکومت ملوث ہے۔ تو کیا الزام لگانے والے غلط تھے الگ رکھ کر دیکھیں تو کیا الزام لگانے والے غلط تھے اتنا عرصہ جو ایم کیو ایم بات کرتی رہی جو ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، پھر کیا وہ سب ٹھیک تھا؟ میں تو عدالت، آپ جو بھی بات کر رہی ہیں، میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عدالت کے تھرو ہوگا، کوئی فیصلہ بھی آپ اور میں ٹی وی پر بیٹھ کر نہیں کر سکتے ہیں، دو طریقے ہیں، عدالت کے تھرو ہوگا یا مینڈیٹ کے تھرو ہوگا۔ اب آپ ایک ان کے خلاف ایف آئی آرز ہیں، صحیح غلط، ان کے خلاف بھتہ خوری کے الزامات ہیں، ان کے خلاف کرپشن کے الزامات ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں تو عدالتوں سے ثابت ہوں گی نا، پروسیکیوشن اتنا ویک ہے کہ لوگ بری ہو جاتے ہیں یا ضمانت پہ چلے جاتے ہیں، پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، سسٹم ویک ہے۔ جنرل راحیل شریف نے جو کام کیا ہے وہ دہشت گردی پہ کیا ہے، ان کو سول گورنمنٹ نے یہاں پہ کام نہیں کرنے دیا، جو جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے جنرل غلام مصطفیٰ، یہ وہی بات ہے کہ مکمل طور پہ پورا کام نہیں ہو سکا ہے، آدھا کام ہوا ہے، دہشت گردی کو باہر پھینکا ہے، جو فائنینشیل چین ہے دہشت گردی کی اس کا تھوڑا سا کام ہوا ہے، مزید کام ہوگا انشاءاللہ، نئے آئیں گے چیف وہ اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ تو سر اگر جنرل صاحب اگر سارا کام جو ہے وہ جنرل راحیل شریف صاحب کر کے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آبویسلی اگر وہ اس سے زیادہ کرتے تو پھر وہ انکانسٹیٹیوشنل ہو جاتا، کیونکہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے۔ سر اس سے زیادہ جو ہے وہ پھر سویلین گورنمنٹس نے کرنا ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے سر کہ پھر جمہوریت کتنی مضبوط ہوئی، پھر ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر تو جنرل راحیل شریف ہی تھے، اور آنے والا بھی اگر ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھے گا تو پھر جمہوریت تو ہم تو سویلین گورنمنٹ سے الیبریٹ کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں اس کو، اور سویلین گورنمنٹ نے جو اپنے کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کرنے ہیں، تو اس سارے ٹینیور میں جمہوریت کتنی مضبوط ہوئی؟ دیکھیے جمہوریت کو بدقسمتی سے سب سے زیادہ نقصان ہماری جمہوری قوتوں نے جو اپنے آپ کو کلیم کرتی ہیں انہوں نے پہنچایا ہے، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، فیصل بھی یہ بات کر رہے ہیں، جمہوری قوتوں کا یہ فرض تھا کہ دیکھیں کہ یہ جو کراچی کے مسائل تو ہیں، کراچی میں جرم بھی تھا، کراچی میں خون ریزی بھی تھی، اب اگر رکی ہے تو کچھ نے ایلیمنٹس تو انڈر اپنا کچھ تو پکڑے گئے ہیں لوگ، کچھ تو قابو آئے ہیں لوگ، تو کیا اگر ہمارا سسٹم اتنا کمزور ہے اس کو مضبوط کرنا فوج نے نہیں کرنا، وہ چاہے جنرل راحیل ہوں چاہے کوئی بھی ہوں، فوج نہیں کر سکتی اس کو، اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو ہماری جمہوری لیڈرشپ ہے اس کو یہ چیلنج قبول کرنا پڑے گا۔ دیکھیے اگر یہ نہیں کرتے تو جو حالات اس وقت ہیں، جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ کراچی کا امن پھر سسٹینیبل نہیں رہے گا، کیونکہ جو عناصر جو ملوث تھے اس میں، اگر وہ دوبارہ اسی طرح سٹریٹ پر دوبارہ واپس آ گئے اور اسی طریقے سے انہوں نے کراچی میں دوبارہ یہ جو خوف کے سائے جس طریقے سے چھٹکارا ملا ہے لوگوں کو، اسی طریقے سے پھر گرفتار کرنے کی کوشش کی، تو پھر کراچی کے حالات پہلے سے زیادہ بدتر ہو جائیں گے۔ یہ تو سوال ہی نہیں ہونا چاہیے جنرل صاحب، یہ تو سوال ہی نہیں ہونا چاہیے کہ جمہوری حکومتیں یہ کام کریں گی یا نہیں کریں گی، ان کو آلریڈی کر لینا چاہیے تھا، وہ شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیے، بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کیا، یا آپ کو ان کی سیریسنس سے اندازہ ہو رہا ہے، ان کے بیانات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کریں گے؟ دیکھیے آج ایک خبر چل رہی تھی، پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے، میں کنفرم نہیں کر سکا، کہ بلاول صاحب نے ڈاکٹر عاصم کو کراچی کا پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ بنا دیا ہے، جی اتنے زیادہ مقدمات ہیں، اتنا سارا کچھ ان کے اوپر ہے، اور آپ نے اس کو لا کے، اس شخص کو لا کے اپنی سیاست کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھا دیا آپ نے، یہ کیا مقصد ہے اور کیا ہم پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ لیکن سر پھر بات تو وہی آ گئی نا، میئر کراچی کا میئر اگر جیل سے چلا سکتا تھا اور ان پر بھی الزامات ہیں، وہ میئر ہیں اس وقت کراچی کے، تو جب تک تو وہ یو نو وہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی والا بات تو درست ہے۔ پھر دیکھیے مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں، نئے چیف کے لیے اور حکومت کے لیے مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں، ہم نے ان کو اس وقت انفیکٹ فوکس ہو گئے ہیں سب کے سامنے،
और ये भी सामने आ गया है कि हमारा जो सिविलियन गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यह सिस्टम जो हमारा इन प्लेस है, वो इन मसाइल को हैंडल करने में ना सिर्फ नाकाम रहा है बल्कि शायद उसकी ख्वाहिश भी नहीं है इसको ठीक करे, क्योंकि जो बेनिफिशरीज हैं वो कभी सिस्टम को चैलेंज आगे ठीक नहीं करना चाहेंगे। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि चूंकि फोकस भी हो चुका है, निशानदेही भी हो चुकी हुई है, अब जिस हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो हम ये है कि इसको इवॉल्व होने दें, हमारी सियासी क़ुव्वतें, सियासी लीडरशिप इस चीज़ को तस्लीम करे और इस किस्म के इकदाम ना करें जिससे इस सिस्टम को नुकसान पहुँचना है, तो फिर तो काम चल जाएगा। वरना नए चीफ के लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं मैं समझता हूँ जनरल राहिल से, क्योंकि जनरल राहिल ने तो शुरू कर दिया था काम, बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ खुल के सामने आ गया। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब प्रोग्राम करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल अजीज साहब आपकी भी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, जनरल राहिल शरीफ साहब जो अपनी हुदूद क़यूद में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशनली जो कर सकते थे वो कर गए हैं, कराची ऑपरेशन के हवाले से जो डायरेक्शन वो सेट कर सकते थे वो कर गए हैं, यहाँ से आगे बॉल जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट के कोर्ट में है। जनरल राहिल शरीफ साहब वाज़ह तौर पर कह चुके हैं कि ज़रबियाज़ हो या कराची ऑपरेशन हो, कॉम्प्लीमेंट्री एफर्ट्स जब तक नहीं होंगे, नेशनल एक्शन प्लान पर जब तक अमल दरामद नहीं होगा कोई फायदा नहीं है। फिर उनकी कामयाबी ज़रबियाज की और इन चीजों की मशरूत है नेशनल एक्शन प्लान और दीगर चीजों पर अमल दरामद से। अब देखना यह है कि हमारी जो मौजूदा हुकूमतें हैं, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, वो कितनी संजीदा है अवामी मसाइल के हल में, खासतौर पर कराची ऑपरेशन बारे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।